हेलो एवरीवन, मैं अरबीन झंडू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा राजस्थान प्रदेश में कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट कब से ओपन होंगे। साथ ही मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि स्कूल ओपन होने के साथ ही क्या कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ओपन हो पाएंगे। तो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया है कि सर कॉलेज भी ओपन हो रहे हैं क्या, सर कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ओपन हो रहे हैं क्या। इस वीडियो के अंदर मैं सबका आंसर देने वाला हूं कि कॉलेज और कोचिंग भी ओपन होंगे या नहीं होंगे। तो बिल्कुल पेशेंस बना के वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। तो जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान प्रदेश में फाइनली ये बोल दिया गया है कि 2 नवंबर से आपकी जो है बोर्ड क्लासेस के लिए क्लास 10th और 12th की जो है यहाँ पर 2 नवंबर से क्लासें लगना शुरू हो जाएंगी राजस्थान के सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में। बट अब जो है क्या कॉलेज भी खुल पाएंगी स्कूलों के साथ ही, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ पर जो है स्कूल खुल गए हैं तो अब जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर मेरे वीडियोज पे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारी कॉलेज भी खुलेगी क्या स्कूल के साथ में। तो अभी तक तो जो 3 दिन से जो मुख्यमंत्री स्तर पर जो मीटिंग हो रही थी उसमें यही फैसला लिया गया है कि 3 चरणों में स्कूल्स को खोला जाएगा। मैंने मॉर्निंग में वीडियो बना दी है स्कूल ओपन को लेकर। अब मैं बात करूंगा कॉलेज, क्या कॉलेज भी खुल पाएंगी स्कूलों के साथ में। तो 2 नवंबर से आपकी जो है स्कूल खुल रही है। कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो भी बनाई थी और अपडेट भी आई थी यूजीसी की। यूजीसी ने बोल दिया था कि जो है अक्टूबर मंथ में देश के अंदर जितनी भी कॉलेज हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, उनमें एडमिशन प्रोसेस चलेंगे और नवंबर मंथ से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ऐसा बोला गया था। तो 1 नवंबर से कॉलेज भी खुलने के आसार हो सकते हैं क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइन आई थी। और हमेशा जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सभी स्टेट्स की, वो यूजीसी की गाइडलाइन को फॉलो करती हैं। जिस प्रकार से यूजीसी ने बोला था कि आप सभी यूनिवर्सिटियों को फाइनल ईयर के एग्जाम कंडक्ट कराना बहुत जरूरी है, तो सभी यूनिवर्सिटी ने फाइनल ईयर की जो एग्जाम्स थी उसको कंडक्ट कराया था और फाइनली एग्जाम कंप्लीट हो गई है और रिजल्ट भी नवंबर मंथ के एंड तक आ जाएगा। तो अब है कि आपकी क्लासें कब से लगेंगी। अगर मैं बात करूँ फाइनल ईयर और सेकेंड ईयर वालों स्टूडेंट्स की बात करूं तो सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी यूजी पीजी की जो क्लासेज हैं वो लग रही हैं। फाइनल ईयर और सेकेंड ईयर वालों की क्लासेज लग रही हैं। बट अगर मैं फर्स्ट ईयर वालों की बात करूं तो उनके एडमिशन प्रोसेस अक्टूबर मंथ के एंड तक खत्म हो जाएंगे। कट ऑफ लिस्ट आ चुकी है, फीस जमा करा दी है, एडमिशन हो गया है। तो अब है कि वो कॉलेज कब से जा पाएंगे, कब से जो है उनकी क्लासेज लगेंगी ऑफलाइन कॉलेज के अंदर। तो फाइनली नवंबर मंथ से स्टार्टिंग में उनकी कॉलेज ओपन हो सकती हैं, क्लासें लग सकती हैं। क्योंकि यूजीसी ने जो ऑर्डर दिया था सभी यूनिवर्सिटियों को, सभी स्टेट गवर्नमेंट को, कि भाई जो आपकी कॉलेज हैं वो नवंबर मंथ में स्टार्ट होनी चाहिए और क्लासेस लगनी चाहिए। बट इसकी एक रणनीति तैयार होगी, एक मीटिंग होगी इसके भी। क्योंकि जिस प्रकार से स्कूल को 3 चरणों में खोला है, 10th 12th क्लास को स्टार्टिंग में 2 नवंबर से स्टार्ट किया है और 2 नवंबर से इनकी क्लासें लगेंगी, वहीं उसके बाद में 1 दिसंबर से 6th क्लास से 11th क्लास जो नॉन बोर्ड क्लास है उनको बुलाया है। वहीं अगर मैं बात करूं 1 जनवरी से जो है लास्ट चरण जो होगा स्कूल का वो प्राइमरी क्लासेस 1st to 5th क्लास को बुलाया जाएगा। तो क्या कॉलेज में भी इसी प्रकार से बच्चों को बुलाया जाएगा, क्या 2 पारियों में बैच को किया जाएगा या फिर सेक्शंस ज़्यादा किए जाएंगे, तो किस तरह से सेफ्टियों का ध्यान में रखते हुए जो है कॉलेज में बच्चों को बुलाया जाएगा। तो कॉलेज में जो कॉलेज की जो गाइडलाइन है खुलने को लेकर या जो क्लासेस ओपन होने को लेकर या क्लासेस लगने को लेकर जो गाइडलाइन है वो अभी तक नहीं आई है। जैसे ही कोई गाइडलाइन आती है, कोई रणनीति तैयार होती है कॉलेज खुलने को लेकर कि भाई कौन सी ईयर के बच्चों को बुलाएंगे या फिर कितने कितने ग्रुपों में बच्चों को आ पाएंगे कॉलेज में, नहीं आ पाएंगे, किस तरह से क्लासेज लगेंगी, छुट्टियाँ कितनी होंगी नहीं होगी, तो एक पूरा मतलब शैक्षणिक सत्र जो 2020-21 है उसकी रणनीति किस तरह से तैयार करेंगे, कॉलेज के लिए अलग से प्रोटोकॉल बनेगा, अलग से गाइडलाइन बनेगी, अलग से SOP जारी होगी। तो अभी तक ऐसी कोई भी अपडेट नहीं आई है कॉलेज ओपन को रिगार्डिंग। UGC की अपडेट आई थी जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, तो अब जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। वहीं अगर मैं बात करूं सिलेबस की, कि जिस प्रकार से स्कूल में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड जो है, उसने सभी क्लासेस का जो सिलेबस डाल दिया है 40% कम करके, तो यहां पर जो है मेरी काफी वीडियोस पे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या जो हमारे कोर्सेज हैं BA, BSc, BCom या UG के जितने भी कोर्सेज हैं उनका सिलेबस भी कम होगा, या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों का भी सिलेबस कम किया जाएगा। तो अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है कि कॉलेज का सिलेबस भी कम किया जाएगा, UGC से भी कोई अपडेट नहीं आई है, नहीं स्टेट गवर्नमेंट ने, नहीं आपकी यूनिवर्सिटी ने कोई ऐसी अपडेट दी है कि आपके सिलेबस में यूजी कोर्सेज में या पीजी कोर्सेज में कोई कटौती की जाएगी, कमी की जाएगी। बट ऐसा हो सकता है कि आपकी जो एग्जाम है वो डिले हो सकती है, यानी वो आगे खिसक सकती है। जो आपकी एग्जाम मार्च अप्रैल में होती है वो एग्जाम अब मई जून में हो सकती है, जिससे कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए अगर नवंबर मंथ में आपकी कॉलेज ओपन होती है। तो लगभग आसार है कि आपके नवंबर मंथ में क्लासें लगना शुरू हो जाएंगी, आपकी कॉलेज ओपन हो जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं कोचिंग इंस्टीट्यूट की,
कि राजस्थान प्रदेश में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं बड़े बड़े जो IIT PMT नीट इनकी प्रिपरेशन करवाते हैं, तो काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते हैं जो अदर स्टेट के भी हैं और राजस्थान स्टेट के भी हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों के मेरी लास्ट वीडियोस पे कमेंट आए हैं कि सर कोटा में कोचिंग कब से ओपन होगी, या जयपुर में कोचिंग कब से ओपन होगी, या कोचिंग कब से ओपन होगी, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं और लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो उनको भी बेसब्री से इंतजार है कि कब से ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट होंगी और कब से हम पढ़ पाएंगे। तो भाई जिस प्रकार से स्कूल धीरे धीरे ओपन हो रही हैं, यानी नवंबर मंथ में आपकी स्कूल्स ओपन हो जाएंगी, उसी प्रकार से आपकी कॉलेज ओपन हो जाएंगी, तो धीरे धीरे सभी शिक्षण संस्थान ओपन हो रही हैं, तो आपकी कोचिंग को भी ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए भी एक गाइडलाइन बनाई जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टेट राजस्थान स्टेट के बाहर के पढ़ने आते हैं, यानी बिहार के, यूपी के, अदर स्टेट के पढ़ने आते हैं। मतलब बाहर से कोई आ रहा है अदर स्टेट से राजस्थान स्टेट में, जो भी स्टूडेंट्स आएंगे तो उनके लिए क्या गाइडलाइन होगी, उनको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते वही कोचिंग इंस्टीट्यूट को ओपन किया जाएगा। तो अभी तक ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर और कॉलेज को लेकर कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट आती है कोचिंग इंस्टीट्यूट और कॉलेज को लेकर मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। स्कूल ओपन हो रही है नवंबर मंथ में, जो बोर्ड क्लासेज है 10th 12th वो खुल रही है, शायद क्या पता कि कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जैसे ही 10th और 12th की जो है क्लासे ओपन हो तो आपके यहां पर भी जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खुल जाए बड़े स्तर पर, नहीं तो छोटे स्तर पर आपके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो खुल जाए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।